चाच इनसे मिलिए, ये मेरी फ्रेंड है डिंपल रानी। किस रियासत की रानी है ये? इसे रियासत की रानी नहीं, ये दिल की रानी है। और इन्हें तलाश है एक राजकुमार की, शी इज ऑन अ हंट। आपके वाले साहब क्या करते हैं? वो कबाब का ठेला लगाते हैं। तशरीफ रखे हैं। देखा तो, कबाब का नाम सुनते कैसे इंटरेस्टेड हो गए चाचा जी। आपके वाले साहब कबाब का ठेला लगाते हैं, कौन से कबाब? चिकन कबाब, सीख कबाब, मलाई कबाब, पहाड़ी कबाब। पहाड़ी कबाब तो कमाल के होते हैं और हमें बड़े पसंद हैं। पहाड़ी मुर्गियाँ होती ही कमाल की है। पहाड़ी मुर्गियों के तो क्या कहने, पहाड़ी मुर्गियों के कबाब तो मैंने कई बार चखे हैं। अभी हमारे यहाँ भी आइएगा कबाब चखने। जरूर। आपके वाले साहब ये कबाब का ठेला कहाँ लगाते हैं? वही अफीम कोठी के पीछे लगाते हैं। अरे वाह, फिर तो हम जरूर आएंगे कबाब खाने। हाँ हाँ जरूर आइए ना। लेकिन आप ये बताइए कि कबाब के साथ हमें पुदीना बड़ा पसंद है, पुदीना मिलेगा क्या आपके यहाँ? हमारे पास सिर्फ पुदीना ही नहीं बल्कि पुदीना और धनिया की चटनी भी है। वाह वाह, फिर तो हम जरूर आएंगे, बहुत दिनों के बाद खाएंगे ये कबाब। चाचा जी तो कबाब चटनी और पुदीना में फंस कर रह गए हैं, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। Just wait. एक बार गर्रे के लौंडे की शादी में गया था मैं, बारात गई थी। अलीगढ़ के पास एक गांव है नारूपुरा, वहां एक औरत कबाब बना रही थी, जबरदस्त कबाब, जायकेदार कबाब, बेहतरीन कबाब। मैंने जाके उसके यहाँ बकरे के ग्लोटी कबाब खाए, इतने जायकेदार थे कि क्या कहने। मैंने उस औरत से पूछा कि इस कबाब में तुम कौन सा मसाला डालती हो, उसने मेरी तरफ आंख मारी, उसने कहा कि ये मसाला मैं रात को तैयार करती हूँ, अगर जानना है तो आ जाओ। तो फिर आप गए थे बाकायदा? रेसिपी मिली आपको? मैंने उससे कबाब की रेसिपी पूछी, लेकिन एक टाइम के बाद हम दोनों इस हालात में थे कि वो मुझे कबाब के मसाले के बारे में बता रही थी और मुझे कुछ भी याद नहीं। और विभू, चाचा जी तो कबाबों पर पूरा ग्रंथ लिख देंगे, उसको लड़की को बुलाओ ना, उसको बोलो कुछ एक्शन करे, कुछ करे। एक मिनट। समझ रही है ना? सरा चाच को नाच के दिखाओ सरा। ओके ओके। हेलो, कबाब खा के आते हैं। आओ। अब भी कबाब? चाच, चाच नहीं रहे, कबाब ची हो गए। यार अनु, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो यार? मैं डिंपल से इश्क कर लूं?
अरे इश्क करने का मतलब इश्क का नाटक करो, बस चाचा जी के सामने उसके साथ प्यार के पींगे बढ़ाओ। तुम कैसी बातें कर रही हो अनु यार, लोग देखेंगे कि मैं किसी और औरत के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहा हूँ तो लोग मेरे मुंह में पीकेंगे और कहेंगे कि अच्छी खासी बीवी है घर में, उसको छोड़ के ये दूसरी औरतों के साथ रंगरेलिया मना रहा है ये आदमी। अरे जब तुम्हारी वही अच्छी खासी बीवी तुमसे कह रही है कि जब उसको परवाह नहीं है तो तुम्हें क्यों परवाह है? और वैसे भी ये बात सच तो नहीं है ना? सच नहीं है लेकिन लोग देखेंगे तो सच ही मानेंगे ना इसको। ठीक है ठीक है, तो करो परवाह और जाने दो वो तुम्हारे 20 करोड़ जो है कौन से खेत में? गुइया के खेत में। गुइया के खेत में जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो गुइया के खेत में यार? और क्या, जब एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते हो तुम, वो भी झूठी कुर्बानी नहीं दे सकते हो, तो क्या अमीर बनोगे तुम? हाँ अमित, तुम मुझे बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम करने के लिए कह रही हो। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सबसे पहले तो तुम्हें जो करना है अपनी खुशी से करो, वरना जाने दो, जाने दो पैसे। ये क्या बात कर रही हो यार तुम, मैं तो इज्जत की बात कर रहा हूँ यार। बेबू जब जेब में माल होता है ना तो सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है। तुमने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ टाइम पास किया है, इसीलिए लक्ष्मी मैया हमेशा तुमसे रूठी रही है। आज वो स्वयं आके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो तुम फिर से ऐसी हरकतें कर रहे हो? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं अगर तुम्हारी जगह होती, अगर मैं विभूति नारायण मिश्रा होती ना, तो 20 करोड़ के लिए एक नहीं सैकड़ों लड़कियों से अफेयर कर लेती झूठा वाला। ठीक, मैं भी करूंगा अगर तुम्हारी यही मर्जी है। फिर तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो। विभो तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से करो, मेरी मर्जी से नहीं, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर प्लान फेल हो गया तो तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दोगे। इसलिए शुभ शुभ बोलकर बस शुरू हो जाओ, और याद रखना ये तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, मेरी मर्जी से नहीं। ठीक है बाबा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने होशावास में अपनी मर्जी से कर रहा हूं। इज दैट ऑल राइट विद यू? एब्सोल्युटली सर। टेंपल के साथ इश्क 20 करोड़, शी इज लाइक अ रेसलर मैन। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी, मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। आजकल तो आपका रात भी बहुत गुड चल रहा है और मॉर्निंग भी बहुत ही गुड चल रहा है ना? मैं तो समझा नहीं भाभी जी, बड़ा ही टाइम तो से क्या कहना चाह रही हैं? हाँ आप काहे समझेंगे, वो काहे कि आजकल तो आप कछु अलग ही नशे में है ना? नहीं भाभी जी, कल रात को मैंने कोई नशा नहीं किया था, I was perfectly sober, मैं पूरे होशो हवास में था। हाँ भाई तो yeah. आप तो पूरे होशो हवास में थे, इसीलिए तो आपको पता है कि कल क्या हुआ।
कल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा? हाँ। लेकिन हम तो देख ही रहे कि बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ? क्या देखा आपने? वो कहा है ना कि हम अपनी खिड़की से देखे रहे कि एक ठो चिड़िया और एक ठो चिरोटा चोंच लड़ा रहे थे। अरे भाभी जी, अजीब भेकी भेकी बातें कर रही हैं। चिड़िया चिरोटा चोंच लड़ा रहे थे। चोंच लड़ा रहे थे, साउंड्स गुड बट सक्सेना भैया, वन क्वेश्चन प्लीज। जैसे अरबी लैंग्वेज होती है, अरबी भाषा होती है, तो अरबी को अपन गुइया भी बोलते हैं। हाँ। तो आपको अपन जो गुइया भाषा भी कह सकते हैं का? हाँ। तुम लोगों की औकात गुइया की ही है। चुपचाप सीखो जो सिखा रहा हूँ। सॉरी। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में एक वाक्य है, लौंडा जाता है। लौंडा जातो है, कहाँ को जातो है? घुइया के खेत में जातो है। सीधे सीधे सीखो वरना भावला से। बावला हो गया क्या? है लौंडा कहीं भी जाए साले, अपने करियर का सवाल है, चुपचाप सीख, मजाक मत कर। सर आपको सिखा रहे थे, सॉरी सर। मैंने कहा कि हिंदी में एक वाक्य है, लौंडा जाता है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? कैसे कैसे इसको अरबी में ऐसे बोलेंगे, लौंडा जाती। वाओ, आप लौंडा जाती। सर आप मान लीजिए कि हमें दुबई के किसी शेख से पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? तुम्हारा नाम क्या होती? तुम्हारा नाम क्या होती? होती यार, हमने तो सुना तो कि अरबी भाषा बड़ी कठिन लैंग्वेज है यार। लेकिन मेरी जान, ये तो बहुत इजी है यार, यूं सीख रहा हूं। ऐसा ना भैया, चूज मी वन क्वेश्चन अनदर प्लीज। मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम कौ से पूछे कि भाई साहब टाइम का हैरो है, तो अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? तुम्हारे गाड़ी में क्या बजती? बजती? अच्छा यार, ठीक है, मुझे लग रहा है या तुझे भी लग रहा है कि अरबी लैंग्वेज जो है बिल्कुल हिंदी के जैसी है यार। हाँ, हिंदी अरबी भाई भाई। सक्सेना जी, लास्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि दुबई में किसी शेख की छोरी को हमें पटाना है, मतलब सेट करना है, तो क्या करना चाहिए? दुबई में अगर लड़की को पटाना है तो अपने गले में साइनाइड का कैप्सूल लटका के घूमना चाहिए, क्योंकि दुबई में जो भी लड़की को छेड़ता है वहाँ के शेख उसको उल्टा लटका लटका के मारती। हाँ हाँ, श्योर सर, हमें सारी डिटेल्स भिजवा दूंगी आपको एज सून एज पॉसिबल। या ओके ओके बाय। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, क्या हो रहा है बताइए? उका है ना कि हमको कल रात से बहुत ही अजीब अजीब सा हो रहा है। क्या अजीब अजीब सा हो रहा है? कल रात ना हम अपने घर में बैठे थे, तो अचानक से एक छो लड़की आई, वो हमारे सामने अचानक से नाचने लगी। उसके बाद भरभूति जी आए और फिर वो लड़की को लेकर चले गए। अच्छा, आप उसकी बात कर रही हैं, डिंपल की? वो तो विभु की फ्रेंड है। लेकिन भरभूति जी तो बोले रहे कि वो आपको डांस सिखाती है। हाँ, वो विभु की फ्रेंड भी है और मुझे डांस भी सिखाती है। तो को आपका घर ना ही पता है? नहीं, अब कल वो पहली क्लास थी ना, इसलिए शायद वो गलती से आपके घर चली गई। और फिर हमारे घर आके नाचने का है लगी हो? बताया ना, वो पहली क्लास थी इसलिए वो कंफ्यूजन में चली गई थी बाय मिस्टेक। तो कहा है ना अनीता जी कि लड़की भैया हमको बोल कर गए हैं कि पगली हमरे पीछे कोनो भी बार टेंडर पर भरोसा ना ही करना। तुम आप स्ट्रेंजर कहना चाह रही हैं शायद? सही पकड़े हैं। हमको कुछ और भी बोलना है आपसे। हाँ हाँ, बोलिए ना। वो जो आपकी दोस्त है ना, वो जो डांस सिखाती है, वो टिंगल
डिंपल ऐसे ही पकड़े हैं उनका ना हमको कुछ चाल चलन ठीक ना ही लगा क्यों क्या हो गया ओ वैसे तो हमको भरभूती जी का भी चाल चलन कुछ ठीक ना ही लगा क्या हो गया अंगूरी जी साफ साफ बताइए ना क्या किया विभू ने ओ ना हम उन दोनों को जो है वो कल ही कल बहुत ही फॉरवर्ड पोजीशन में देखे रहे आप ऑकवर्ड पोजीशन कहना चाह रही हैं ऐसे ही पकड़े हैं हमको क्या लगा कि उन दोनों के बीच ना कछु चल रहा है अंगूरी जी आप भी ना बहुत इनोसेंट हैं का मतलब मतलब वो जो उसकी फ्रेंड है ना वो दोनों मिलके ना मुझे चढ़ाते हैं ऐसे ही बहुत मजाक करते हैं और डिंपल बहुत ही नॉटी है मतलब बहुत ही खुली हुई है इसलिए कुछ ज्यादा ही खुली हुई लगी हमको तो उसको पता नहीं है मैं उससे भी ज्यादा खुली हुई हूँ आई डोंट माइंड बाय 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 पता नहीं का गोरख धंधा लगा रखे हैं सुन प्रेम मैं बुलाऊंगा डिंपल को एक दोबारा और यार अभी दिल भरा नहीं उससे लेकिन सुन तू तो कह रहा था कि बड़ी कमाल की चीज है वैसे भी कोई तोप नहीं है वो मैं तुझे फोन करता हूँ मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये डिंपल आपका साया बन के आपके साथ रहेगी तुम मेरा साया हो ना साया बना लो ना ये तुम क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है साफ साफ कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है और साफ साफ कहूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अब आप चाहे जो भी समझे लेकिन कल रात आपने जैसे मुझे अपनी बाहों में कस के भरा था उस एहसास का जायका अभी तक मेरे बदन पे चिपका हुआ है तो क्यों चिपकाए घूम रही हो यार ना धो के उसको निकालो धो लो उसको और दूसरी बात ये कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन हाँ तो मोहब्बत अंधी होती है मैंने बहुत बार अपने दिल को समझाने की कोशिश की लेकिन दिल है कि मानता नहीं दिल ये कहता है कि देखेंगे तो क्या कहेंगे अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं अगर मेरी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया तो ये मेरी खुश नसीबी होगी मैं तुरंत आपसे शादी कर लूंगी ये मुंह और मसूर की दाल चुपचाप अपने घर जाओ और मेरे इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ दैट्स इट बीवी आप अपनी बीवी से प्यार करते किसी और से नहीं करते एंड डोंट फॉलो मी साइड हटिए देर हो रही है कौन है आप बाय द वे हिलती हुई गुंबदे वल्ला हबीबी हम तुम्हारा मियां तुम हमारा बीबी एक्सक्यूज मी माइंड योर लैंग्वेज हम किसी की बीवी बीवी नहीं होती वल्ला हबीबी तुम हमारे साथ में दुबई चलती हम तुमको अपना बीवी बनाती ओए दुबई में हम तुमको रानी की तरह रखती जो तुम हुक्म देती हम वो ही करती पर हम तुम्हारे साथ दुबई क्यों जाती वल्ला हबीबी क्योंकि हम तुमको बहुत पसंद करती ओए तुम्हें देखकर हमारा ईमान डोलती डोलती व्हाट आर यू सेइंग खबीज का बच्चा तुम बदतमीजी नहीं करती एक हाथ मारती सीधा सारा के रेगिस्तान में गिरती सारा
ओए खबीस, तुम हमको मारती और हम खड़ा होके देखती, ओए हम तुम्हारी पीठ पर ऐसा मुक्का मारती, ऐसा मुक्का मारती कि तुम्हारी पीठ पर ऊंट की कुबड़ उगती, कुबड़ उगती। सारे दी के लड़ाई तेरी हैं? बकवास कर रहे हो दादा? साले लटके कच्चे, अच्छा साले छोटे कच्चे तू करो सारे हैं, बात कर रहे हो तेरी तो साले तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा मैं, फोड़ दूंगा तेरे सारे, मैं तेरे मैं फोड़ दूंगा। स्टॉप इट, ओ माय गॉड, तुम दोनों मतलब टीका टिल्लू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? रूसा सॉरी, हम तुमको अरबी बोलकर इम्प्रेस करती। ओए रूसा जान, ओए लालू की जान, तुमको हमारा अरबी कैसा लगती बताओ? कैसा लगती? कटुवा।